ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। प्रिय भक्तों, हर माह की त्रयोदशी तिथि को भगवान शिव का व्रत किया जाता है। इस व्रत को प्रदोष व्रत कहते हैं। इस बार प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन पड़ने के कारण शुक्र प्रदोष कहलाएगा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन विधि विधान से व्रत करने और शिव जी का पूजन करने से सभी प्रकार की कलह समाप्त होती है। मनुष्य को किसी प्रकार के रोग दोष का भय नहीं रहता है। प्रदोष व्रत का पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। संध्या के समय सूर्यास्त से लगभग एक घंटे पूर्व पूजन आरंभ कर दिया जाता है। इस बार यह व्रत शुक्रवार को पड़ने के कारण सुख समृद्धि प्रदान करने वाला होगा। इससे भक्तों की सभी मनोकामना पूरी होती है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा करने के पश्चात कथा भी पढ़नी चाहिए। आज मैं सुना रही हूँ शुक्र प्रदोष व्रत में सुनी जाने वाली भोलेनाथ तथा माता पार्वती की बड़ी ही पावन तथा दुर्लभ कथा। तो आप सभी इसे पूरा और प्रसन्नचित मन से सुनिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। शुक्र प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक नगर में तीन मित्र राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और धनिक पुत्र रहते थे। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार दोनों विवाहित थे। कुछ समय बाद धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया, लेकिन गौना शेष था, इसलिए धनिक पुत्र की पत्नी अपने मायके में ही थी। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे, तभी ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने ये सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को घर लाने का निश्चय कर लिया। धनिक पुत्र को उसके माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा कर लाना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन धनिक पुत्र ने एक नहीं सुनी और ससुराल पहुँच गया। ससुराल में जाने पर भी सभी ने धनिक पुत्र को समझाने का प्रयास किया, परंतु वो विदा कराने की जिद पर अड़ा रहा। धनिक पुत्र की हट के कारण कन्या के माता पिता को विदाई करनी पड़ी। विदाई कराने के पश्चात पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर भी वो चलते रहे। अभी कुछ ही दूरी पर पहुंचे थे कि उन्हें रास्ते में डाकू मिल गए। डाकुओं ने उनका सारा धन लूट लिया। जैसे ही दोनों घर पहुंचे, धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। तुरंत ही उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने उसे देखने के बाद बताया कि 3 दिन में इसकी मृत्यु हो जाएगी। जब धनिक पुत्र के मित्र ब्राह्मण कुमार को ये खबर मिली तो वो धनिक पुत्र के घर पहुँचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने के बारे में बताया और उनसे कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानकर पत्नी सहित ससुराल चला गया। वहां पर उसकी हालत ठीक होती गई, यानी शुक्र प्रदोष के महात्म्य से सभी कष्ट दूर हो गए। हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, जैसे आपने धनिक पुत्र को जीवन दान दिया, उसे मोक्ष प्रदान किया, वैसे सभी के कष्ट दूर करना, सभी पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो एक बार प्रेम से बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तगणों, अब हम रसपान करेंगे सभी कष्टों को दूर करने वाली तथा सुख प्रदान करने वाली कथा का। एक नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जहां हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन शिवजी के दर्शन के लिए आते रहते थे। उस समय प्रदोष का व्रत था। दूर दूर से भक्तगण जल लेकर भगवान शिव को जलाभिषेक करने आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजलियां हुई और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी हुई कि जो कोई भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा, उसी को ये थाल मिलेगा। मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने ये भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी इकट्ठे हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे, उन्हें तो पूरा विश्वास था कि यह थाल तो हमें ही मिलेगा।
इसलिए वे सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, देखिए मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ, अतः मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और भक्त हूँ, इसलिए थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। ये देखकर पंडित जी बड़े लज्जित हुए। उन्होंने थाल यथास्थान पर रखा और वहाँ से निकल गए। इसी प्रकार वहाँ उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल यथास्थान पर रखकर चले जाना पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा साहब आगे आए और बोले, मैंने महादेव के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा दी है, इसलिए ये थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा साहब आगे बढ़े और थाल उठाया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। ये देखकर महाराज भी लज्जित हुए और थाल यथास्थान पर रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह एक से बढ़कर एक दानी महात्मा और भक्त पधारे और थाल उठाया, लेकिन किसी के हाथ में कुछ और किसी के हाथ में कुछ हो गया, लेकिन सोने का नहीं रहा। तब लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय एक किसान का आगमन हुआ। वो बेचारा महीनों बाद आज प्रदोष व्रत के शुभ अवसर पर शिवजी के दर्शन करने आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में आ ही रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। इस किसान को दया आ गई। अपने खाने के लिए जो खाना लाया था वो उसने उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में इसने भी सुना था, लेकिन इसने उस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, भाई तुम भी थाल को उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही वो सच्चे भक्त हो जिसके लिए ये थाल आया है। किसान को लगा वो व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई मैं तो कभी कोई पूजा पाठ भी नहीं करता, महीनों ने एक आध बार मंदिर आ पाता हूँ, मैं काहे का सच्चा भक्त। वो अजनबी बोला, भाई हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो दो कोड़ी की भी नहीं है, अब तुम भी अपना हाथ लगा कर देख लो। सोने का थाल मिले न मिले, किंतु पता तो चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिर उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल उठा ही लिया। जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी से चमचमाने लगा। ये देख सब लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे कि भाई तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बता दो कि कैसी भक्ति करते हो जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न है। तो किसान बोला, भाई मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? हंसते हुए किसान बोला, सुकून, दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश है। इसलिए दोस्तों हमेशा याद रखे, सत्कर्म का आरंभ भी आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक होता है। दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायक होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरों का दिल दुखाते हैं तो आपकी वह तपस्या साधना और महादेव का दर्शन धूल के बराबर है। हे भोलेनाथ, जैसे आपने उस किसान पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाई, वैसे अपने सभी भक्तों का कल्याण करना, सबकी गरीबी और दरिद्रता दूर करना, उन्हें मोक्ष देना। इस कथा को पढ़ने तथा सुनने वालों पर अपनी कृपा बरसाए रखिएगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।
प्रिय भक्तों, उम्मीद करती हूँ आज की यह कथा आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। आपका जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ विदा लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।